भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे विस्तारक शिवपाल जी उपस्थित सभी यहाँ के कलेक्टर, देखिए हम सब मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं। हर जगह जाता हूँ, मैं एक से बोलता हूँ, मैं जब कैंपेन में जाता हूँ ना तो मैंने अलग प्रकार की दीवानगी लोगों में मोदी जी के लिए देखी। इसके पहले के चुनाव में भी ना, इस बार तो पता नहीं क्या हो गया है, मतलब भावुक भी है व्यक्ति क्योंकि उसने राम को बिठा दिया था। आज तक हम प्रधानमंत्री को चुनते थे, राम ने भी प्रधानमंत्री को चुन लिया। मुझे मंदिर मंदिर की बात नहीं है, हम आज अगर अपने एक्सप्रेस वे हाईवे देखते हैं तो हम जानते हैं क्या बदलाव आया। इस नोएडा गौतम बुद्ध ने भी बात की सड़क पर मान मूर्ति के सामने किस तरह बंदूक लगा के हमारे साथी लोग ऑफिस कर, और आज की स्थिति है 2 बजे भी रात को मैंने अपनी माताओं बहनों को सोसाइटी के पास रहता हूँ ऑफिस से आते देखा है, जाते देखा है, आप पुलिस को भी देखा है, पुलिस सिक्योरिटी भी देखी, बहुत बदला है, बहुत चीजें बदली हैं। और मगर हम सब मोदी जी को इतना प्यार करते हैं, करें क्या उनके लिए, हम सब बनारस को जा नहीं सकते प्रचार करने, हमारा एक दायित्व कि हमें वोट देना है। जब गौतम बुद्ध नगर सर्वोच्च भारत में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज से विनिंग विक्ट्री देगा, मोदी जी भी कहेंगे ये देखो मेरे को कितना, और हमारा सांसद भी कहेगा अरे वाह मुझे कितना प्यार है। तो यकीन मानिए आपका सांसद 11 बजे तक आपसे मिलता है, कई काम होते हैं नहीं होते हैं बट प्रयास होना चाहिए। 11 बजे तक अगर कोई सांसद आपसे बैठ के मिल रहा है, आपकी समस्याओं को सुन रहा है, आपकी चिट्ठी लिख रहा है और आपके प्रयास कर रहा है, ये मानिए हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ऐसी जगह पे हैं और हमें ऐसा सांसद मिला है। उससे अच्छी बात जो बेस्ट चीज हुई है कि हमारा पोलिंग बूथ हमारी सोसाइटी में, बस हमें काम करना है, सुबह उठना है, पड़ोसी ने वोट डाला है, अगर बोला नहीं तो उसको ऐसे देखिए कि उसका रंजा हो जाए और वोट डाला है। तो हम सब को इंश्योर करना है कि मोदी जी को हम सब डॉक्टर महेश शर्मा बन गए, एक दूसरे को बोले कि जाओ भैया वोट डाल के आओ, मैं भी महेश शर्मा हूँ और मोदी जी के बाद गौतम बुद्ध नगर में क्या करना चाहिए। इसी तरह आप सब सब बता रहे हैं, मुझे पता है हम सब आतुर हैं बिल्कुल मोदी जी के लिए, तो प्लीज मोदी जी को प्यार करते हो तो वोट जरूर आके आना।